अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि देख रहे हैं ये मेरा दोस्त है आसिफ। अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई, आज हम क्या ट्राई करेंगे? मुन्ना भाई खजिया वाले। तो ये खजिया इसके अंदर है डब्बे में, इसका हमें बाद में इसके बाद ही वीडियो होगा, जो इस वीडियो में पूरा बनाने का तरीका बताया गया है। तो ये कैसे बनता है ये भी इस वीडियो में है, अभी खा के देखते हैं ये है कैसा। रबड़ होंगे अच्छा लग रहा है, ये जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसके अंदर एक खोया। वाह वाह, इसके लिए घूम रहे हैं। इसके पहले बड़े पेड़ बनाएंगे फिर छोटे पेड़। ये बात क्या है आपका? मेरा नाम मोहन पारे, बड़े उस्ताद वो कर लो ताकि वो पचना। खजिया बना रहे हैं आप? हाँ, गुजिया बना रहे भाई। ये किस चीज़ का मसाला बना हुआ है? ये खोया है, बुना हुआ खोया। सिर्फ खोया है? और कुछ भी है? मैदा वगैरह नहीं, नहीं जो कुछ खाली सिर्फ खोया। आप चेक कर ले मेरे करने भी होता है ना। बिल्कुल खोया, एक नंबर खोया है। ये पहले आप इसका पेड़ा बनाएंगे। पलटी मारो, 10 किलो का था। तो ये क्या है? ये इसका आटा, मैदा मैदा। और ये किलो कितने का होता है? किलो 500 रुपये बेचे हैं। 500 रुपये। कहाँ की डिश है ये? ये कहाँ की डिश है भाई? इंडिया की है। ये पता है इनका, पूरा पता है। और आपका नाम? मेरा नाम पप्पू उस्ताद है। अच्छा, ये मुन्ना भाई गुजिया वाले कोरंगी जी। गरम होगा ना? कि ये गरम है। तो ये तकरीबन कितनी देर पकते हैं? ये तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट में हो जाएगी। इसके बाद तो आपको आधा किलो में 4 दाने, फिर 1 ही किलो लेना पड़ेगा। 1 दाना भी बहुत हेवी होगा ना एक बंदे के लिए। बिल्कुल बहुत हेवी है। 125 ग्राम जीरो वापस डाल दिया जाएगा। ये अब तैयार हो गया। आप क्या करेंगे जीरे में? हमको निलाएंगे क्या?
घर में देखते हैं।